शूटर लोग, आज अपने 75 हार्ट का डे 22 आउटडोर एक्सरसाइज कर लिए, अब जा रहा हूँ इंडोर करने। और कल थोड़ा सा हालत गड़बड़ हो गई थी पेट की, डॉक्टर ने भी अभी मना किया है ज़्यादा अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो अभी ज़्यादा वेट वाली एक्सरसाइज मत करना। तो घर पे भी देखते हैं पुशअप्स वगैरह ही करेंगे, मतलब ज़्यादा वेट नहीं उठाएंगे, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो कि ज़्यादा पेन हो और उसकी वजह से ये चैलेंज बीच में ही बंद करना पड़े। तो चलते हैं इंडोर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है आज का सीन। घर जाना है मुझे तो उसकी भी तैयारी करनी, पैकिंग करनी है। भाई टाइम हो रहा है 9:58, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। और ये है आज का मेरा नाश्ता, पनीर पोहा और बनाना शेक। तो नाश्ता करने के बाद मुझे करनी है आज पैकिंग, क्योंकि घर निकलने की डेट पास में आ रही है और मैंने अभी पैकिंग नहीं की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लेके जानी है। या फिर हो सकता है कि पहले मैं व्लॉग एडिट कर लूँ, तो देखते हैं क्या सीन है। आजकल पता नहीं क्यों मुझे ग्रीनरी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। मैं अभी 2 दिन पहले मंडी से लेकर आया था प्लांट, तो अभी आया हूँ मैं नर्सरी में और यहाँ से ले लिया मैंने मिट्टी, कोकोपेट और 2 प्लांट और ख़रीद लिए। मिट्टी लेने आया था, कोकोपेट लेने आया था, लेकिन यहाँ से भी मैंने 2 इंडोर प्लांट दिए हैं। तो घर चलते हैं, घर चल के वो वाले प्लांट्स में डालते हैं मिट्टी और रेडी करते हैं, और ये वाले भी दिखाता हूँ आपको। तो भाई सीन था आराम करने का, कि डाइट लेने के बाद मैंने सोचा था कि या तो पैकिंग कर लूँगा या एडिटिंग कर लूँगा या थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये पौधा लेकर आया था मैं 2 दिन पहले, और इसके लिए मैंने नहीं लिया है ये गमला। तो ये एक लेकर आया हूँ, एक ये लेकर आया हूँ छोटे वाले के लिए, और वहाँ से ले आया हूँ मैं एक ये छोटा प्लांट। और बेचारा इस पौधे की जो है कहानी सैड है, ये वहाँ इससे निकला हुआ रोड किनारे पड़ा हुआ था, तो हमने भैया से बोला कि भैया ये आप अगर फेंक रहे हो तो इसे हमें दे दो। और ये मिट्टी भी मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, कोकोपेट भी। तो मैंने वो पौधा ले लिया और अब उसे करेंगे हम वापस से जिंदा। तो अपने फेफड़ों के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन का इंतज़ाम हो गया है। ये प्लांट्स मेरे पहले से हैं, इनमें भी और मिट्टियाँ इनकी निकाल के वापस से आज कोकोपेट डालूंगा, इसमें भी कोकोपेट डालूंगा। भैया सीन कुछ ऐसा है कि टाइम पूरे 1 बज चुके हैं, जो इंडोर प्लांट वाला काम मैं कर रहा था इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कि काम अपना कंप्लीट हो चुका है। तो मैं लगाने जा रहा हूँ ऑक्सीजन का प्लांट, अगर आप लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अब इनको कहाँ रखना है घर में वो भी देखना है कि कहाँ ये अच्छे लगेंगे। तो ये सब करने के बाद मैं फटाफट नहाऊंगा और पूजा करूंगा, क्योंकि आज फिर से मैं लेट हूँ पूजा के लिए। भाई 4 बज चुके हैं और नहा धो के मैंने कर लिया पूजा, घर भी सेट कर दिया है, अभी आपने देख ही लिया होगा सारे प्लांट्स जहाँ रखने थे वहाँ रख दिए हैं। और आज मैंने खाना नहीं बनाया, तो आज जा रहा हूँ मैं बाहर खाना खाने के लिए, भूख बहुत ज़्यादा लगाई है। लेकिन अच्छा काम ये हो गया है कि सारा काम कर लिया मैंने घर का और शॉर्ट ब्लॉग अपलोड भी कर दिया है। भाई हमेशा की तरह आज भी 8:00 बजे अपना डे 21 का 75 हार्ट का ब्लॉग आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ब्लॉग तो प्लीज़ जाके चेक करो, और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर देना और थोड़ी सी हेल्प कर दो। भाई आपका 1 लाइक मुझे मोटिवेशन देगा, तो कर दो। अगर आप वीडियो देख रहे हो और नहीं देख रहे हो तो वीडियोज़ देख लो, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। 8 बज गए, मैं बस ब्लॉग अपलोड करने का ही वेट कर रहा था, मुझे जाना है कुछ काम से बाहर, तो मैं फटाफट निकल रहा हूँ और फिर आके बुक पढ़ेंगे, उसके बाद आज के ब्लॉग को करेंगे एंड। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
टाइम हो रहा है 10:47 और वैसे तो मैं रात को खाना खाता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे ज़्यादा भूख लगी क्योंकि दिन में मैंने कम खाना खाया था। तो अभी बना रहा हूँ दाल चावल, बुक पढ़ ली है मैंने, इसी के साथ आज के सारे टास्क हो रहे हैं कंप्लीट। तो कट करते हैं डे 22 को, 75 हार्ट का डे 22 भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसा कुछ था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।